कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय शहडोल में बीते एक पखवाड़े में 12 बच्चों की मौत हुई। इन बच्चों में एक 6 माह के अविकसित जन्मे बच्चे के साथ ही एक माह से लेकर 7 माह के बच्चे शामिल थे। वहीं लगातार हो रही इन मौतों के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इन मौतों के पीछे की मुख्य वजह क्या है और लगातार मौतें क्यों हो रही है, इस बात का कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। फिलहाल जब हमने जिला चिकित्सालय का जायजा लिया तो बीते कुछ दिनों में सुधार हुए हैं, इसकी बात तो मरीजों के परिजनों ने बताई, लेकिन ऐसी क्या कमी है जहां सुधार की जरूरत है, ये सवाल अब भी बना हुआ है। वहीं आज की घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 4 सदस्यों के जांच दल का गठन किया है, जिसमें विधायक सुनील सराफ, राघवेंद्र सिंह, अनूपपुर के कांग्रेस अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, शहडोल कांग्रेस अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह शामिल हैं, जो पीड़ित पक्ष के घर जाकर मुलाकात करेंगे और अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। जिला चिकित्सालय शहडोल में बीते 7 दिनों में 12 बच्चों की मौत से समूचे प्रदेश में हड़कंप है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर जांच करने की बात कही जा रही है। इन मौतों के पीछे डॉक्टर नाजुक हालत में बच्चों को इलाज के लाना बता रहे हैं, तो ये बात भी सामने आ रही है कि मृत बच्चों में कई निमोनिया के शिकार थे। डॉक्टरों का कहना है कि इनके इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है, लेकिन फिर भी इन्हें बचाया नहीं जा सका। बात हालातों की करें तो शहडोल जिला चिकित्सालय हमेशा से ही अपनी कार्य प्रणाली को लेकर सुर्खियों में रहा है। कांग्रेस शासनकाल में भी इस तरह की घटना हुई थी और 6 बच्चों की मौत के बाद तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने शहडोल पहुंचकर परिस्थितियों का जायजा लिया था और इसके बाद CHMO और सिविल सर्जनों को कार्यमुक्त कर दिया था। स्वास्थ्य अमला भले ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कहता हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह बात कितनी सच है। बीते 8 माह में देखा जाए SNCU में 262 और PICU 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है, जो जिले की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को बता रही है। इन बच्चों की मौत के पीछे का सच जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि शहडोल जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। बाल रोग चिकित्सा से लेकर अन्य स्टाफ की कमी है। बहरहाल शहडोल के इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जाँच के आदेश दिए थे और रिपोर्ट में डॉक्टरों को क्लीन चिट भी दे दी गई, लेकिन लगातार हो रही इन मौतों के पीछे का सच क्या है, ये सवाल बना हुआ है। विंध्य समाचार के शहडोल से कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। मैं सोहन चौधरी। 26 तारीख को डिलीवरी उमरिया जिले में हुई, इसके बाद में हमको रिफ़र किया गया शहडोल। शहडोल में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम शाम को 7:30 बजे वहाँ एडमिट किए। एडमिट होने के बाद में डॉक्टरों के द्वारा तत्काल कोई एक्शन नहीं लिया गया। कुछ देर पहले उनके एडमिट होने के बाद एक डॉक्टर आया और उसमें हमको थोड़ा बहुत जानकारी दिए, इसके बाद में एडमिट कर लिए। फिर बार बार मिलना, जैसे बच्चों को देखना कि क्या बच्चे की स्वस्थ तबीयत है कि नहीं है, उन लोग हमको देखने मिलने में जाने नहीं दिया जाता था, और उनकी सही ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण से हमारे बेटे की मृत्यु हो गई, जो हमें बहुत ही दुख लगा। और साथ में जो शहडोल शासकीय हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का इतना अच्छा एक एक से सुविधाएँ हैं, जो वो जिस तरह उनको मन लगा के काम करना चाहिए किसी बच्चों के लिए, तो वो उस तरह उनका काम अच्छा नहीं था। हम ये चाहते हैं कि आज हमारे साथ जो ये घटना घटी है, ठीक हमारे 4 बजे से लेके और दिन 4 बजे से लेके रात 4 बजे तक 4 मौतें बच्चे की हुई, मतलब 12 घंटे में 4 बच्चे का मृत्यु हो गई, और भी बच्चे कई सीरियस थे, और हम चाहते हैं कि आगे ऐसा किसी बच्चों के साथ ना हो। शहडोल हॉस्पिटल अपनी टीम को कड़ी कार्रवाई करे, इन पर नज़र रखे, हर एक मरीज़ को ध्यान से देखे, जिससे आगे किसी गरीब या अच्छे ऐसे भले आदमी के या जो भी आदमी हो उनके साथ ऐसी घटना ना हो। मैं यही चाहूँगा प्रशासन पर, शहडोल प्रशासन के ऊपर कड़ी कार्रवाई रखे। धन्यवाद। जब 12 मौतें हुई हैं करीब 27 तारीख से लेकर आज तक, उसमें तो आपको पहले की डिटेल्स मालूम है, पर अभी 2 दिनों से 4 बच्चों की मौत हुई है। 2 तारीख को 2 बच्चों की मौत हुई है, 3 तारीख को 2 बच्चों की मौत हुई है। जो 2 तारीख को जो 2 बच्चे की मौत हुई है, उसमें दोनों बच्चे एक SNCU के नवजात बच्चे हैं, एक अदिति तिवारी करके है, जो कि अंडर वेट पैदा हुई थी, मतलब 6 से 7 महीने में उसकी डिलीवरी हो गई थी कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम में बुढ़ार में, उसको फिर यहाँ रेफर किया गया। वो उसका वेट 600 ग्राम था, उसको आने के बाद मतलब आते ही इंक्यूबेटर पे रखा गया था, वो प्री मेच्योरिटी होने के कारण 30 तारीख को भर्ती हुई थी और 2 तारीख को एक्सपायर हो गई थी। हाँ, और सरोज सारिया जो वो भी क्या कहते हैं 2 तारीख को भर्ती हुई, 1 तारीख को भर्ती हुई, तो उसकी 2 तारीख को मौत हो गई, तो वो 11 दिन की थी और उसको डिंडोरी से लाया गया था। उनका एक तो प्री मेच्योरिटी थी और दूसरों को निमोनिया था। हाँ, प्री मेच्योरिटी थी एक बच्चे का ना, जन्म के पहले पैदा हो गई थी। अब ये तो ये आप बता रहे हैं, अभी तो मेरे को इसका आंकड़ा मालूम है कि हो तो रही है मौतें। और सर अपने यहाँ
जो है बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, उसकी भी कमी के कारण ये है। नहीं नहीं, बाल रोग विशेषज्ञ की कमी तो है, पर अभी आज की डेट में क्या कहते हैं, मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय का अस्पताल एक ही है, उसमें क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज के 6 डॉक्टर हैं, जिसमें 2 कंसल्टेंट मेडिकल कॉलेज के और 4 सीनियर रेसिडेंट्स हैं जो 24 आवर ड्यूटी देते हैं यहाँ पर। उसमें मतलब कहीं कोई लापरवाही नहीं, डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं, स्टाफ भी पूरा है, सभी चीज पूरी है वहाँ पर। हाँ, जबलपुर मेडिकल की टीम और रीवा की जो टीम आई थी, उन्होंने क्या पाया है? उनने जो भी रिपोर्ट बनाई वो रिपोर्ट उनने ऊपर भेज दी, हमको अभी ज्यादा आईडिया नहीं, पर जहाँ तक वो सेटिस्फाई थे कि जितनी सुविधाएं सब ले ठीक है सुविधाएं यहाँ पर। जैसा कि उनके रिपोर्ट में ये भी बात आई है कि डॉक्टर के स्टाफ की कमी के कारण भी नहीं, डॉक्टर की कमी कहीं नहीं है, डॉक्टर मेडिकल कॉलेज भी आपको बताया ना, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं अपने यहाँ, और अब जरूर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है। उसमें क्या कहते हैं डॉक्टर हथगेल जो सुनील हथगेल जो कि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण छुट्टी पे थे, वो भी कल ज्वाइन कर लिए हैं। देखिए, कांग्रेस इस मामले को इस रूप में देखती है कि यहाँ पर जो बच्चों की मृत्यु हुई उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही तो प्रबंधन की है, और लापरवाही या अनियमितता कहें इसको, तो लापरवाही अनियमितता के तहत जो सुविधाएं हैं उस सुविधाएं का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। रहा सवाल, मैं जिला प्रबंधन के, अस्पताल प्रबंधन के और जिला प्रशासन से हम लोगों ने मांग भी की, आपने देखा होगा मैं 28 तारीख को भी धरने पे बैठने वाला था जब उनके परिजन आए हुए थे, चूंकि मुझे बुखार था, मैं पीड़ित था, लेकिन 2 तारीख को, 2 दिसंबर को हमने, हमारे कांग्रेसजनों ने एक धरना प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट का घेराव किया, वहाँ पर ज्ञापन दिया गया, और हमने 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया हुआ है कि इसे हम जन आंदोलन के रूप में करेंगे। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन के अलावा हमारे जो सत्ता दल के लोग हैं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लोग क्यों नहीं इसको संज्ञान में ले रहे हैं, ये विषय थोड़ा गंभीर है। इस